हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे ग्रो करें। सो फ्रेंड्स, आप सबके मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम अपनी इंस्टा आईडी ग्रो कैसे करें, हम लोग वीडियो कैसे बनाएं और काफ़ी सारे क्वेश्चन। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ऐसे 6 स्टेप्स जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। और गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, हाँ, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ फर्स्ट टिप। सो गाइस, इस फर्स्ट टिप में क्या है, आपको सबसे पहले अपना कंटेंट चूज़ करना है। कंटेंट जैसे कि आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, एक्टिंग बना रहे हो, लिपसिंग बना रहे हो, कुछ भी आपको जो कंटेंट चूज़ करना है वो आप कंटेंट चूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि अपना कंटेंट जो है मिक्स कर देते हैं। क्या होता है, आप कोई भी जैसे कॉमेडी आपने चूज़ किया है, फिर आप उसमें डांस की वीडियो बना रहे हो। सो गाइस, इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो जो है पब्लिक तक ढंग से पहुंच ही नहीं पाएगी। आपकी जो ऑडियंस है देखने वाली, तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि आप किस टाइप की वीडियो बना रहे हो। किसी को डांस पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, तो गाइस वो आपको फॉलो ही क्यों करेंगे, क्योंकि आप मिक्स कंटेंट कर रहे हो। सो गाइस, ये बहुत बड़ी गलती है, आपको नहीं करना चाहिए। तो गाइस, इसलिए आप लोगों को अपना एक कंटेंट चूज़ करके रखना चाहिए जिसमें आप लोग परफेक्ट हो। सो गाइस, यहीं पर ख़त्म होती है मेरी फर्स्ट टिप। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी सेकंड टिप की ओर। सो गाइस, सेकंड चीज़ है क्वालिटी। आप जैसे अपनी रील शूट करते हो तो उसमें आपको मेक श्योर कि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप कैमरा या फिर फ़ोन जो भी यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ गाइस, बात करते हैं हम लोग बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड आपको जो है काफ़ी अच्छा चूज़ करना चाहिए, जैसे गार्डन टाइप, कुछ गार्डन में आपने वीडियो शूट कर ली, कुछ मतलब ये बैकग्राउंड आपको जो है अपनी तरफ से बेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो है वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा। थर्ड टिप है हमारी एक्टिव। सो गाइस, आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपको रील्स डालनी है, पोस्ट डालनी है, स्टोरीज डालनी है, तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने एक दिन 5 वीडियो बनाई, तो अगले दिन वो लोग शूट के लिए गए ही नहीं, तो क्या करते हैं वो लोग एक ही दिन में वो सारी वीडियोस को पोस्ट कर देते हैं, और अगले दिन क्या होता है वो अकाउंट जो है खाली रह जाता है। सो गाइस, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। जितनी वीडियोस आप लोग बनाते हो आपको उस हिसाब से देखना है कि हमको कैसे वीडियोस को पोस्ट करना है। और फ्रेंड्स, आप लोग मिनिमम 1 वीडियो और मैक्सिमम 4 वीडियोस अपलोड करें। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी में गाइस, आपको क्या है, एक दिन में आप कम से कम आपको जो है 2 स्टोरी तो डालनी चाहिए, क्योंकि क्या है, जैसे आप लोग पूरे दिन में जो भी कर रहे हो अपना आप लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, 2 स्टोरी आपको डालनी ही चाहिए। और स्टोरी से गाइस क्या होता है, आपकी स्टोरी का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो भी जाता है। सो गाइस, फोर्थ टिप है यहाँ पे हमारी टाइमिंग। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके इनसाइड में जाके चेक करें कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो पब्लिक है, वो किस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहती है। उसी बेस पे आप लोग अपना जो है वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। और गाइस, हाँ, एक चीज़ और, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है कि मैंने आपको बताया भी था, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी और आपका कंटेंट दोनों अगर अच्छा होगा तो आपकी वीडियोज़ जो है वायरल जो है होनी ही होनी है। फिर सो गाइस, जो हमारे यहाँ पे फिफ्थ टिप है वो है आपको अपने अकाउंट को अच्छा दिखाना है। अच्छा दिखाना है आपको जो है अपनी जो है प्रोफाइल फ़ोटो, यानी कि जो आपकी डीपी है वो आप लोग अच्छे से अच्छी लगाओ, और जो आपका बायो है वो आप लोग अच्छे से अच्छा फिल करो। क्या है, जो है आप अच्छा बायो फिल करोगे तो कोई भी आपके अकाउंट पे आएगा तो उसको आपका अकाउंट अच्छा लगेगा। सो गाइस, जो हमारी 6th टिप है वो है हैशटैग, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जैसे आप लोग अपना कोई भी कंटेंट चूज़ करके रखते हो, जैसे या तो डांस, कॉमेडी, कुछ भी, तो आपको जैसे कोई भी आपका कंटेंट होता है, आपके अपने कंटेंट से रिलेटेड हैशटैग को डालना होता है अपनी वीडियो में। सो गाइस, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग जैसे डांस की वीडियो बना रहे हैं तो उसमें जैसे आप लोगों ने कॉमेडी वाला हैशटैग भी लगा दिया, हैशटैग को क्या है मिक्स कर देते हैं। तो गाइस, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो गाइस, आई होप आप सबको मेरी ये 6 टिप्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना। और हाँ गाइस, नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए, तो मैं ऐसी और वीडियोस भी बनाऊँगी।